गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो इस तरीके से स्टेटस आप स्टार्टिंग में मेरे वीडियो में जिस तरीके से स्टेटस देखा है, तो अभी जिस तरीके से मेरे स्टेटस देख रहे हैं, तो इस तरीके से स्टेटस आप लोगों को भी क्रिएट करना है। तो अभी मेरे वीडियो आपको फुल तक देखते रहना है। तो दोस्तों फुल वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा, नहीं तो दोस्तों ये एडिटिंग बहुत ही टफ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो को फुल देखा करो। फुल देखने के बाद ही आप लोगों को समझ आएगा, नहीं तो आप लोगों को इस तरीके से स्टेटस क्रिएट करना नहीं पाओगे। तो अभी आपको क्या करना है, एक ये इस तरीके से स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। वो काइन मास्टर लिंक अब मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो अभी आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग पर चला जाना है, एडिटिंग पर चला जाना है। इसको अभी आपको फिल स्क्रीन कर लेना है। लेने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक जो इमोजी वाला वीडियो है वो आपको ले लेना है, जो ये लड़की वाला जो वीडियो है ये आपको ले लेना है। लेने के बाद इसको ऑडियो तो आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करके ले लेना है। लेने के बाद आप देख सकते हैं, तो अभी आपको जहाँ पर आपको ये लड़की वाला जो वीडियो है ख़त्म हुआ है, तो इस तरीके से बाकी का जो इच्छा है इसको अभी ट्रिम टू राइट कर देना है। राइट कर देने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको 6-7 फोटो आपको ऐड कर लेना है। तो ये 6-7 फोटो आपको ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से इतने सारे फोटो आपको ऐड कर लेना है। लेने के बाद अभी इसको अभी थोड़ा सा इस तरीके से आपको जूम कर लेना है। तो जूम करने के बाद अभी आपको देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जी यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से सेटिंग पर क्लिक करना है, एडिटिंग पर चला जाना है। डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन को अभी इस तरीके से 0.1/2 का आसपास कर देना है। और जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। इसमें आपको सेव फोटो का ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको सेव फोटो आपको ले लेना है, गिन गिन के आपको ले लेना है। तो मेरे को सेव फोटो हो चुका है, तो अभी आपको फिर से एक बार सुन लेना है कहाँ पर आपको बीट नज़र आ रहा है, तो वहाँ से आपको ही कट कर लेना है। तो दोस्तों अभी इस तरीके से आपको सुन लेना है, फिर से आपको यहाँ से बीट शुरू हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जा करके आपको ट्रिम टू राइट कर सकते हैं, स्प्लिट प्ले हार्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको फिर से यहाँ पे आपको सेव फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब फोटो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैं सेव फोटो में ले लिया हूँ, तो अभी आपको फिर से प्ले करके सुन लेना है। आपको फिर से यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, आपको यहाँ पे आपको फिर से सुन लेना है। तो अभी आपको इस तरीके से कट लगा लेना है, आपको फिर से सुन लेना है। तो आपको यहाँ से ही आसपास में आपको इस तरीके से कट लगा लेना है, ट्रिम टू राइट कर देना है, तो आपको फिर से सुन लेना है। फिर से सुन लेना है, तो आपको फिर से यहाँ से आपको ये यहाँ पे आपको फिर से कट लगा लेना है। तो इस तरीके से तो आपको फिर से सुन लेना है, ऐसे आपको फिर से कट लगा लेना है, तो फिर से सुन लेना है। कट लगा लेना है, तो अभी आपको फिर से सुन लेना है। तो आपको फिर से यहाँ से आपको कट लगा लेना है, आपको यहाँ पे फिर से आपको सेव फोटो की जरूरत पड़ेगी, सेव फोटो आपको ऐड कर लेना है।
से फोटो ले लेना है, फिर से आपको सुन लेना है, फिर से भी इस तरीके से सुन लेना है। तो आपको फिर से जहां पर बीट, यहां से आपको बीट नजर आ रहा है तो यहां पे आपको कट कर देना है। तो इस तरीके से आपको फिर से यहां से आपको ले लेना है, कट कर देना है। तो गाइस आपको सुन सुन कर ही आपको ये काम करना है। आपको फिर से यहां से आपको फिर आपको यहां पे पास फोटो को ऐड कर लेना है। तो 5 फोटो आपको ऐड कर लेना है। तो आपको फिर से सुन लेना है। तो आपको फिर से यहां से आपको बीट नजर आ रहा है तो ये आपको कट कर देना है। तो अभी आपको फिर से यहां पे आपको 5 फोटो ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से फिर से आपको सुन लेना है। तो आपको फिर से यहां पे आपको बीट नजर आ रहा है तो यहां पे आपको कट कर लेना है। तो गाइस अभी आपको इस तरीके से सुन सुन कर ही आपको काम कर लेना है, इसे एडिटिंग कर लेना है, नहीं तो आपको वीडियो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो सॉरी गाइस, फिर से आपको यहां पे 5 फोटो आपको ऐड कर लेना है। तो फिर से आपको सुन लेना है। तो फिर से आपको यहां पे आपको आना है, फिर से आपको टीम टू राइट कर देना है। तो फिर से आपको यहां पे 5 फोटो को ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से ही आपको सारे फोटो में आपको ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से फिर से आपको सुन लेना है। फिर से आपको यहां से बीट नजर आ रहा है तो यहां पे आपको फिर से ट्रिम टू राइट कर देना है। और जो बाकी का जो पार्ट है इसको अभी जितने सारे फोटो लगता है उसको अभी ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हो गया है। तो ये काम हो जाने के बाद अभी एक बार आपको प्ले करके देखना है। तो यहां पे आना है, फिर से आपको देखना है। तो गाइस अभी इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसको अभी जूम कर लेना है थोड़ा सा। इतना जूम करने के बाद अभी आपको इसमें क्लिप ग्राफिक लगा लेना है। कौन सा क्लिप ग्राफिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्लिप ग्राफिक पर आना है। आने के बाद अभी आपको यहां पे एक क्लिप ग्राफिक मिल जाएगा, स्वीट लेन जो क्लिप ग्राफिक है, ये आपको 17 नंबर वाला जो 17 नंबर है इसको अभी ऐड कर देना है। सारे फोटो में आपको 17 क्लिप सॉरी जो आपको स्वीट लेन वाला जो क्लिप ग्राफिक है इसमें आपको 17 नंबर वाला जो 17 नंबर वाला है ये आपको सारे छोटा-छोटा जो जितने सारे छोटा फोटो है उसने आपको ये स्वीट लेन वाला जो क्लिप ग्राफिक है ये आपको ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से सारे फोटो में आपको ये जो क्लिप ग्राफिक है स्वीट लेन वाला आपको ऐसे 17 नंबर वाला जो ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से सारे फोटो में आपको जितने सारे आपको छोटा-छोटा फोटो है उसमें आपको ये क्लिप ग्राफिक 17 नंबर वाला जो है इस लगा देना है, बड़ा वाला को छोड़ देना है। फिर से आपको छोटा वाला में आना है, फिर से आपको क्लिप ग्राफिक पर चला जाना है, फिर से आपको ये वाला स्वीट लेन वाला जो क्लिप ग्राफिक है ये आपको 17 नंबर वाला लगा देना है। तो इस तरीके से लगा देना है। तो मैं आप लोगों को ये जो काम है मैं तुरंत से कर ले रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला जो आपको जो बड़ा-बड़ा जो फोटो देखने लग जाएगा तो ये बड़ा फोटो में आपको कौन सा क्लिप ग्राफिक यूज करना है। तो ये जो कैम मोशन वाला जो आपको ये वाला पहला नंबर वाला ये आपको लगा देना है। और आपको यहां पे आना है, थोड़ा सा आगे आना है। तो ये वाला जो क्लिप ग्राफिक है ये मैं आपको कौन सा लगा देना है, जो ये कैम मोशन वाला रोटेशन 1 लगा देना है। फिर से आपको दूसरे नंबर बड़ा वाला फोटो में आपको आना है, फिर से आपको जाना है क्लिप ग्राफिक, आप कैम मोशन पर जाना है, रोटेशन 2 लगा देना है। तो आपको फिर से आपको तीसरे फोटो में जाना है जो बड़ा वाला फोटो है उसमें आपको फिर से कैम मोशन पर जाना है। जाने के बाद फिर से आपको रोटेशन 1 लगा देना है। तो फिर से आपको चौथा फोटो पर जाना है, फिर से आपको क्लिप ग्राफिक पर जाना है, कैम मोशन पर जाना है, इसको अभी फिर से 2 लगा देना है।
तो इस तरीके से हो जाने के बाद आप जो बाकी का जो आपको ये वाला जो ये वाला इसमें आपको क्या करना है, फिर से आपको क्लिप ग्राफिक पर जाना है, क्या मौसम वाला ये जो जो सेक है ये आपको लगा देना है। और जो बाकी का जो आपको बड़ा फोटो में आपको कौन सा क्लिप ग्राफिक लगा लेना है, क्या मोशन वाला ये जो आपको टू नंबर वाला जो जो बंकिंग बंकिंग जो आपको क्लिप ग्राफिक है ये आपको लगा देना है। तो सारे फोटो में जो बड़ा जितने सारे आपको यहाँ पे ये वाला आपको लगा देना है। तो इतने सारे सारे फोटो में आपको जितने बड़ा फोटो आपको यहाँ पे रह गया है तो इसमें आपको यहाँ पे बर्निंग वाला जो लगा देना है। तो अभी आपको इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, तो इतने सारे हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, तो गाइस इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको एक लाइटिंग वाला इफेक्ट लगा देना है। तो कौन सा मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऑल मटेरियल लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेयर पर ऊपर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, अभी आपको डाउनलोड पर जाना है। तो ये वाला जो है ये आपको लाइटिंग वाला इफेक्ट आपको ले लेना है। इसको अभी थोड़ा सा रोटेट कर लेना है, तो इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। देने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसमें इसको ऑडियो तो सबसे पहले आपको म्यूट कर लेना है। म्यूट करने के बाद अभी आपको नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर चला जाना है, इसको अभी स्किन कर देना है। तो लीजिए दोस्तों आपको वीडियो बनकर रेडी हो गया, तो अभी एक बार मैं आप लोगों को प्ले करके सुनाता हूँ। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसी एडिटिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो आपके सामने मिलते रहते हैं। अभी आपको इसको एक्सपोर्ट कर लें।